एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। माय नेम इज सोनिका। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई शूट माय यूट्यूब वीडियो। मैं अपना यूट्यूब का वीडियो कैसे शूट करती हूँ, किससे शूट करती हूँ, ट्राइपॉड, रिंग लाइट, मोबाइल फोन, बैकग्राउंड एंड ऑल, आज सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, वीडियो में प्लीज एंड तक जरूर बने रहना। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, कौन सी मोबाइल फोन की जरूरत होती है या कैमरे की जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत नहीं होती है, तो वो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन या कैमरे की। अगर आप बिगनर हैं, यूट्यूब पर आने की सोच रहे हैं, अपना चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो कैमरे में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आप स्टार्टिंग में फ़ोन से ही वीडियो बनाइए। देखिए, मैं भी फ़ोन से ही अपना वीडियो बनाती हूँ और ये भी मेरा फ़ोन से ही बनाया हुआ वीडियो है। मुझे एक साल होने वाला है यूट्यूब पर आए हुए, कुछ दिन ही रह गए हैं मुझे एक साल होने वाला है, तो मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ। मुझे कैमरे की कोई ज़रूरत ही नहीं लगी और ना ही फिलहाल मैं कैमरे में इन्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है आपकी कोई भी इनकम नहीं होगी। इनकम हो जाए फिर अगर आपको लगे कि मुझे कैमरे की नीड है तो आप कैमरा खरीद सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिए जिसका कैमरा अच्छा हो, उससे आप वीडियो बना सकते हैं आराम से। मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं रियलमी का 7 प्रो यूज़ करती हूँ। इसका जो बैक कैमरा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन फ्रंट थोड़ा कम अच्छा है। तो फ्रंट की वजह से मैं सोच रही हूँ कि अब मैं फ़ोन चेंज करूँ। वैसे भी मुझे फ़ोन चेंज करना है क्योंकि इस फ़ोन को 3 साल हो चुके हैं, मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं न्यू फ़ोन लेने वाली हूँ और इस बार मैं फोकस करूँगी कि मेरा फ्रंट कैमरा अच्छा हो। क्योंकि क्या है कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ मेकअप वगैरह की, वो फ्रंट कैमरे से ही बनाती हूँ। मतलब देख के थोड़ा मेकअप का वीडियो बनाना होता है इसलिए मैं फ्रंट से ही बनाती हूँ, तो उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं आती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम एक न्यू फ़ोन ले लो, उसी से अपना मेकअप का वीडियो बनाया करना। वैसे मैं कभी कभी बैक से भी बना लेती हूँ वीडियोज़ को, स्विच करती रहती हूँ कभी फ्रंट से कभी बैक से। जब बैक से मैं बनाती हूँ तो सच में क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कैमरा ही लो तो कैमरे के ही क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फ़ोन में भी बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। तो आप कोई भी एक अच्छे कैमरे का स्मार्टफोन ले लो और ध्यान रखना कि उसका फ्रंट कैमरा अच्छा हो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है हमें इतनी हैबिट नहीं होती है कैमरे के आगे बोलने की, तो हम बैक कैमरे के आगे मतलब समझ में नहीं, मतलब ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बन पाता है। फ्रंट में आप देख के बोलोगे तो आप अच्छे से बना पाओगे, इसलिए आप ध्यान रखना कि आपका जो फ्रंट कैमरा हो वो अच्छा हो। स्टार्टिंग में फ्रंट कैमरे से ही वीडियो बनता है इसीलिए। सो अगर आप यूट्यूब पर नया चैनल बनाने की सोच रहे हो या बना चुके हो, तो मेरे हिसाब से तो आप फ़ोन से ही वीडियोस बनाइए, कैमरे में इन्वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि मैं अपनी कमाई से ही कैमरा वगैरह ये लेना सब प्रेफर करती हूँ। जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो तो आपको स्टार्टिंग में लेनी ही पड़ेगी, बट जिसके बिना आपका काम चल सकता है तो आप इन्वेस्ट मत कीजिए। जब आपकी यूट्यूब से कमाई होने लगे तभी आप अपना कैमरा या बहुत अच्छा वाला फ़ोन, आईफोन, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। फॉर द बैकग्राउंड, अब बात करते हैं हम बैकग्राउंड की। बहुत से लोगों का ये मानना है कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड अच्छा होगा तो आपकी वीडियोस अच्छी लगेंगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ बैकग्राउंड हाँ अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा तभी आपकी वीडियो अच्छी होगी। देखिए, अगर आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, तो बंदा आपकी वीडियो जरूर वॉच करेगा पूरी। और अगर आप बोल ही नहीं रहे हैं, बैकग्राउंड सजा लिया है मस्त करके, लेकिन तो आपकी वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए बैकग्राउंड के चक्कर में मत पड़िए आप लोग अगर बिगिनर हैं तो। क्योंकि क्या है, बैकग्राउंड वगैरह बनाने में, कुछ भी सेटअप करने में पैसा लगता है भाई। तो पैसा लगता है तो पैसा हमें अभी इन्वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि यार जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको तो कमाई हो रही है बेखटक, खूब सारी कमाई हो रही है, तो वो तो डेली भी बैकग्राउंड चेंज करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिगिनर हैं, जो अभी अभी चैनल बनाया है या जो आए हैं या सोच रहे हैं, वो प्लीज़ बैकग्राउंड के चक्कर में ना पड़े। मैंने तो अभी तक कोई भी बैकग्राउंड सेट ही नहीं किया है, सच बताऊं तो। मेरा मन करता है कि मैं बैकग्राउंड सेट करूं, लेकिन मैंने सोचा देखते हैं अभी थोड़ा आने दो, एक आध इनकम तो तब उसके बाद देखेंगे क्या होता है यूट्यूब पर। तो मुझे तो जहाँ भी जगह मिलती है मैं वहाँ पर अपना फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में कि मैं कभी कहीं बनाती हूँ, कभी कहीं वीडियो बनाती हूँ। बस मेन क्या है कि लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए।
तो डोंट वरी अबाउट द बैकग्राउंड, आप बिना बैकग्राउंड के अपना वीडियो बनाइए और जब आपकी इनकम होने लगे फिर आप बैकग्राउंड बना सकते हैं आराम से। मैं क्या बैकग्राउंड यूज करती हूँ, कहाँ बैठ के वीडियो बनाती हूँ, वो मैं सब आपको दिखा देती हूँ कि मैं ज़्यादातर वीडियो अपनी कहाँ शूट करती हूँ। रूम के इस कॉर्नर में बैठ के मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। यहाँ पर पर्दा है डार्क कलर का और डार्क वॉल है तो बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो में, तो मैं यहाँ चेयर डाल के बैठ जाती हूँ। एंड कभी कभी मैं यहाँ पर भी शूट कर लेती हूँ, ये रैक रखी है तो थोड़ा ठीक लगता है। आई नो इतना अच्छा नहीं लगता बट ठीक है, शॉर्ट्स में यहीं पर शूट करती हूँ। मेरा मन होता है तो मैं यहाँ दीवान पर भी बैठ जाती हूँ बट ये बारिश की वजह से वॉल ख़राब हो गई है तो मुझे अच्छी नहीं लग रही। इस रूम में एसी है तो इस टाइम मैं ज़्यादातर शूट यहीं कर रही हूँ इस कॉर्नर में बैठ के, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है तो इजीली मेरी रिंग लाइट भी लग जाती है और एसी चलता है तो मुझे गर्मी भी नहीं लगती है, तो यहाँ पर भी शूट कर लेती हूँ कभी कभी। सो गाइज, अब हम बात करते हैं ट्राईपॉड की। तो मैं कौन सा ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये वाला जो ट्राईपॉड है ये मेरा पहला ट्राईपॉड है जो कि मैंने 3 साल पहले लिया था टिकटॉक के ज़माने में। जब मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी तब मुझे लगता था कि मैं किस में फ़ोन लगाऊं, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिलाया था। ये मैंने 700 रुपये का खरीदा था उस टाइम, बट अभी ये मुझे रिटायर करना पड़ा इसलिए क्योंकि जो इसका पेच है इसकी चूड़ी जो है वो स्लिप हो गई है, तो मैं फ़ोन लगाती थी वो नीचे सरक जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने मुझे नया ट्राईपॉड ला के दिया और अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं दे दूंगी। ये वाला है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप चेक कर लेना कितने का है। वैसे मैंने ये ऑफलाइन परचेज किया है, आप इसको चेक कर लेना कि अभी ये ऑनलाइन कितने का है। सेम ही मैंने ऑफलाइन देख के, पहले ऑनलाइन देख के फिर ऑफलाइन परचेज किया था, तो आप लोग देख लेना। और अभी मैं रील्स बनाती हूँ और पिछले 1 साल से यूट्यूब पर आ गई हूँ तो मैंने ट्राईपॉड खरीद लिया है। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो यू गाइज कैन चेक दैट आउट। ये ट्राईपॉड जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, 9 फिट इसकी लंबाई है। हाईली रिकमेंडेड टू बाई दिस, ये आपको पूरा कवर कर लेगा। आप चाहे खड़े होकर वीडियो बनाओ, बैठ के बनाओ, कैसे भी बनाओ, बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है, बहुत हैवी है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं रिंग लाइट की। सो मेरी ये वाली रिंग लाइट है, ये मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज की है 1-2 महीने पहले। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ रिंग लाइट मत लीजिए। मायने रखता है कि आपका रूम जो है जहाँ आप शूट करते हैं वहाँ सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि रिंग लाइट से बेटर है सनलाइट। तो अगर सनलाइट आपके रूम में आ रही है तो आपको रिंग लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जहाँ शूट करती थी वहाँ सनलाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे हार के रिंग लाइट लेनी ही पड़ी, क्योंकि मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता मेरे फेस पे अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है तो मुझे रिंग लाइट लेनी पड़ी। अभी मैं रिंग लाइट लगाकर ही वीडियो बना रही हूँ तो ठीक आता है, क्योंकि अगर आपके रूम में विंडोज वगैरह है, सनलाइट प्रॉपर आ रही है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है रिंग लाइट की। बाकी आप देख लीजिए, अगर फिर भी आपको रिंग लाइट लेनी है तो आप बेशक परचेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अभी रिंग लाइट ऑफ करूंगी तो मेरे रूम में कितना अंधेरा हो जाएगा और कितनी बेकार लगेगी वीडियो। अभी इस टाइम मैंने रिंग लाइट ऑन कर रखी है एंड अभी मैं ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। एंड गाइज, ये ऑफ करके है, मतलब अंधेरा सा लग रहा है ना, वैसे समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी लाइट लाके लगा रखी है अपने रूम में। पहले मैंने लाइट ही लगाई थी, सच बताऊं मैंने कहा रिंग लाइट नहीं लेते हैं, क्यों वेस्ट करने पैसे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बड़े बड़े जो बल्ब होते हैं वो मुझे एलईडी बल्ब लाके दे दो, तो उन्होंने 2-2 लगा रखे हैं मैंने रूम में, तो इतनी रोशनी आ रही है। पहले एक था तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, फिर 2 के बाद इतनी आ रही है। और अभी मैं आपको रिंग लाइट ऑन करके दिखाऊंगी, ये है रिंग लाइट ऑन करके, तो मुझे रिंग लाइट जलानी ही पड़ती है अपनी वीडियोस में। अब हम बात करते हैं माइक की। तो भाई, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और कंटेंट बहुत अच्छा है आपका, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आपकी वीडियो में तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। सो गाइज, आपको ऑडियो पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जरूर माइक पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर बैकग्राउंड नॉइज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी वीडियोस में तो आप माइक खरीद लीजिए। मैंने अभी माइक नहीं खरीदा है, मैं विदाउट माइक ही वीडियोस को बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना अभी इतनी ज़रूरत नहीं लगी। एक्चुअली क्या है, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ बहुत ही शांति रहती है और मैं वीडियो तभी शूट करती हूँ जब मेरा बेटा सो रहा होता है, तो मुझे लगता नहीं है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत बोलते हैं कि तुम माइक ले लो एक अच्छा सा, तो मैं जल्दी ही माइक लेने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, बाहर जाती हूँ तो मुझे ब्लॉग बनाना होता है, तो थोड़ा मुझे शिकायत आई है मेरी वीडियोस में कि आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आती है। यार सीधी सी बात है, क्योंकि बाहर जाओ तो रोड पे शोर तो होता ही है, पी पा वो सब कुछ चलता रहता है,
तो थोड़ा वॉइस का इशू रहता है, तो मैं जल्दी ही माइक लेने वाली हूँ। वैसे मेरा मानना है कि मैं पहले कमाने लगूं, बट पता नहीं अभी कितना टाइम और लगेगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं सोच रही हूँ जल्दी ही माइक परचेज कर लूँ। सो मैं जो भी लूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। बाकी तब तक आप देख लीजिए कि आपको कौन सा लेना है। सो गाइज, कुछ ऐसे शूट करती हूँ मैं अपना वीडियो। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा मेरा आज का वीडियो, और शायद आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा मेरी वीडियो से। जो बिगिनर है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को भी लग रहा होगा कि यार हाँ, हम भी इन चीजों के बिना अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अभी जाइए, मैं तो कह रही हूँ जल्दी से अपना चैनल बनाइए और जल्दी से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। सो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, एंड पासी में बेल आइकन है तो वो भी आप प्रेस कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छे से। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय।